हेलो एवरीवन दोस्तों, फाइनली एसएससी की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। और हालांकि कुछ दिन बीत गए हैं इस बात को, लेकिन 6 अक्टूबर को एसएससी ने कुछ डेट्स रिलीज की हैं जिसका बेसब्री से हम लोग को इंतजार था। और ये डेट्स जो है कुछ एग्जाम डेट्स हैं और कुछ रिजल्ट डेट्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा अभी इसके बारे में ऑलरेडी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको पॉइंट आउट करना यहाँ पर थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। शुरू करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि अनअकैडमी पे एसएससी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, लर्निंग ऐप पे, तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट में आपको सॉल्व करना है सिंपल, और जो आपकी रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इनवाइट कोड आपको यूज करना है वो कोड है मेरा WEESHAL। ये इनवाइट कोड यूज करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है और कल आपका हो जाएगा लाइव टेस्ट। इसको अनअकैडमी कॉम्बैट इसका नाम होता है। तो कल दोपहर को 12 बजे आपका ये टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसमें आपको जितना अच्छा पढ़ाया जाएगा उतना अच्छा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। 6 अक्टूबर को जो पहला नोटिफिकेशन आया वो हुआ है आपका एग्जाम डेट्स रिलेटेड। तो देखिए इसकी बाकी भी पोस्ट हैं, जैसे कि CGL टीयर 2 2020 का जो है वो 28-29 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है। और फाइनली जो हमारा ट्विटर कैंपेन था, उन्होंने का डिमांड था, वो फाइनली मान लिया गया है। तो जो लोग ने हमारा मजाक उड़ा रहे थे उस टाइम की, ये सबको तो पढ़ने में मन लगता नहीं, वैसे ही कैंपेन करते रहना है दिन भर, तो उसका फायदा यहाँ दिख रहा है। सिंगल डे एग्जाम हो रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत खुशी की बात है, और क्या बताऊं मैं। अच्छा, CGL टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव का भी डेट आ गया है 6 फरवरी को, यानी कि 28-29 जनवरी को आपका हो जाएगा टीयर 2 और 6 फरवरी को टीयर 3। ये 28-29 जो आपको दिख रहा है, ये 28 को होगा आपका जो मैथ्स इंग्लिश का पेपर होता है, और 29 को आपका ASO AA और JSO का स्पेशल पेपर होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि दो दिन नहीं, एक ही दिन है, प्राइमरली एक ही दिन है, लेकिन एक दिन और होता है JSO और AA वालों के लिए। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट की तो बात यहाँ करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, CHSL टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव का पेपर का भी डेट आ गया है, 9 जनवरी को है, इसका भी रिजल्ट आने वाला है। CGL से जस्ट, CGL 2020 टीयर 1 से जस्ट पहले आएगा, उसके नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे ये चीज़। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एग्जाम डेट से रिलेटेड। अब जो बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड था, खासतौर से 2019 CGL एस्पायरेंट्स के लिए, उसमें से मैं भी था, तो फाइनली ये 13 नंबर इसमें ऐड किया गया है। CGL 2019 का फाइनल रिजल्ट जो है वो 15 फरवरी को आने वाला है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, मैं अभी करूँगा यहाँ पे, 15 फरवरी को, ये काफ़ी लेट है, मतलब आज तक इतना लेट कभी एसएससी ने नहीं किया था। फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज होने के ठीक तकरीबन 4.5 महीने के बाद, ठीक है, मतलब सॉरी, डीवी खत्म होने के 4.5 महीने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये अब तक का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, इतना टाइम पहले एसएससी ने कभी नहीं लिया था। मैं खुद सोच रहा था कि मैक्सिमम मुझे लगता है कि दिसंबर तक आ जाना चाहिए, लास्ट दिसंबर तक, लेकिन मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना डिले किया है। क्यों किया है उसका तो कुछ अता पता है नहीं। ठीक है, तो पिछला जो नोटिफिकेशन आया था वो 7 सितंबर को आया था, पिछले महीने, तो वहाँ ये जो 10 तक आप देख रहे हैं ये डिक्लेयर था, लेकिन ये 3 जो है वो ऐड किए गए हैं अभी, ये जो 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों, तो बात ये है कि आप अभी देख सकते हैं कि 15, ये आप जो बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 15 फरवरी को आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है 2019 का। ठीक, और यहाँ पीछे आप जाइए तो 2020 का टीयर 2 कब होने वाला है, 28-29 जनवरी को। मतलब कि एक आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि 2019 में कुछ तकरीबन 100-150 लोग ऐसे पक्के होंगे जिनको उनकी ड्रीम पोस्ट मिल रही होगी, वो भी लोग जाने वाले हैं 2020 का टीयर 2 देने के लिए। ठीक है, आपको शायद ये बात अटपटी लगी सुनने में, मुझे पता है, हम लोगों का ग्रुप है और उसमें ये चीज साफ साफ है उनमें है कि पता नहीं क्यों, क्योंकि मे बी उनको ड्रीम पोस्ट मिल जाए, अभी वो श्योर नहीं कि उन्हें मिलेगी कि नहीं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन यही मान लीजिए कि अगर जो रिजल्ट है तो 15 फरवरी को आने वाला, यही अगर 15 जनवरी को आ जाता या 20 जनवरी को ही आ जाता या 25 जनवरी तक भी अगर आ जाता, तो भी वो शायद एग्जाम देने का जो प्लान था वो स्किप कर सकते थे। लेकिन एसएससी ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो 2017 में क्या हुआ, 2017 टीयर 1 का जो पेपर जब स्टार्ट हुआ था एसएससी सीजीएल का, 2016 का जो फाइनल रिजल्ट था वो उसी दिन आ गया था, जिस दिन से 2017 टीयर 1 शुरू होने वाला था उसी दिन 2016 का फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो कंफ्यूजन होता है बच्चों में वो नीचे चला जाता है, वो क्लियर हो जाता है कि उन्हें ये पोस्ट मिलेगी, ड्रीम पोस्ट है कि नहीं, तो फिर उनको लगता है कि अब जरूरत नहीं है अगला अटेम्प्ट देने की। लेकिन क्योंकि जब तक टीयर 2020 का टीयर 2 होगा तब तक उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया होगा, इसलिए उनका कन्फ्यूजन जारी रहेगा और वो लोग भी जाएंगे 2020 का टीयर 2 देने। ठीक है, तो मैं अभी भी गुजारिश यही करूँगा कि अगर कुछ दिन पहले अगर आ जाता है रिजल्ट तो बहुत अच्छा होगा, काफ़ी लोग नहीं जाएंगे एग्जाम देने के लिए और काफ़ी सीटें बच जाएंगी। ठीक है,
तो और जो जिनका मान लो जिनको ड्रीम पोस्ट नहीं मिला है वो तो ऐसे भी देने वाले थे और वैसे भी देंगे, तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सा एक पोस्ट मुझे मिला था कि 2019 के एस्पायरेंट्स 2020 का एग्जाम देने के लिए 2021 में बैठेंगे। तो ये बड़ा अच्छा सा एक पोस्ट आ गई पे, तो ये चीज़ पे अगर काम करे SSC तो थोड़ा फायदा हो। बट एनीवेज डेट्स आ गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन अभी से 4 महीने का वक्त है, Tier 2 की बात करूँ तो 3.5-4 महीने, मैक्सिमम 3.5-3 महीने ही कहिए कहिए उसको, 100 दिन है एक तरह से। और 100 दिन बहुत होते हैं, मैं डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2021 Tier 1 जो होने वाला है उसका भी डेट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था कि वो CET के थ्रू होगा या फिर एज रेगुलर होगा, अगर होगा तो कब होगा उसके बारे में कोई भी अता पता नहीं है। जैसे ही पता चलेगा हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, उसके बारे में भी कैसे अभी से शुरू करना है प्रिपरेशन, अभी से अगर आप करोगे शुरू तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी आपका क्या मानना है, अपनी अपना जो राय है वो जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि ये SSC ने सही किया है या गलत किया है, क्या कुछ दिन पहले ही रिजल्ट पब्लिश कर देने से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है कि जो लोग सेलेक्टेड हैं 2019 में क्या वो लोग नहीं जाएंगे 2020 में, इसके बारे में आपकी क्या राय बताइएगा। और फाइनली एक बार फिर से अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट, जिनको SSC का SSC का सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, वो इस कॉम्बैट टेस्ट को ज़रूर आप फेस कीजिए, दीजिए। कल 40 क्वेश्चन है, 50 मिनट हैं, कल दोपहर 12 बजे। मेरा कोड है WWESHA, इसको यूज़ करके आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। और कल ठीक दोपहर 12 बजे लाइव टेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि बाद में, उसी टाइम आपको देना होता है, दीजिए और स्कॉलरशिप जीतिए। तो बस इतना था इस वीडियो में, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।